नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां एक्सरे मशीन खराब होने से मरीज हो रहे हैं परेशान, जिम्मेदार है मौत। बता दें कि क्षेत्र के सौसैया संयुक्त जिला चिकित्सालय में इन दिनों डिजिटल एक्सरे मशीन के खराब होने से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं आए दिन मरीज एक्सरे रूम का चक्कर लगा रहे हैं, जिससे अस्पताल प्रशासन संज्ञान में बिल्कुल नहीं ले रहा, जिसकी वजह से लगातार मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूर दूर से आए हुए मरीज एक्सरे रूम तक पहुंचते हैं तो उन्हें यह बताया जाता है कि एक्सरे मशीन खराब है। वहीं एक्सरे रूम के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया है, जिस पर लिखा है कि डिजिटल एक्सरे मशीन खराब होने से एक्सरे नहीं हो सकता। इस संबंध में टेक्नीशियन संदीप कुमार ने बताया है कि डिजिटल एक्सरे मशीन 4 दिनों से खराब पड़ी हुई है। वहीं मैनुअल एक्सरे चालू है, लेकिन डिजिटल एक्सरे ही लोग कराना चाहते हैं, जिसके लिए लिखित शिकायत अस्पताल के CMS को भी दिया गया है। वहीं कुछ मरीजों का नॉर्मल एक्सरे मैनुअल किया जा रहा है। अधिकतर मरीज डिजिटल एक्सरे ही लाते हैं, जो 4 दिनों से खराब पड़ा हुआ है। परमेश्वरपुर निवासी विकास ने बताया है कि यहां लगभग 3 दिनों से एक्सरे के लिए बार बार आ रहे हैं, लेकिन एक्सरे मशीन खराब पड़ी हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में CMS डॉक्टर SK ध्रुव ने बताया है कि एक्सरे के सॉफ्टवेयर अपडेटिंग में खराबी आई है, जिसके लिए संबंधित विभाग से शिकायत की गई है। जल्दी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। इस समय मेडिकल टेस्ट में मऊ और बलिया तक के मरीजों का एक्सरे भी यहां पर सुचारू रूप से किया जा रहा है। इस मामले में टेक्नीशियन संदीप कुमार और परमेश्वरपुर निवासी विकास ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। क्या नाम भैया? विकास। कहाँ घर है आपका? परमेश्वर। आज यहाँ एक्सरे करवाने आए हैं, और कई दिन से आ रहे हैं आप? 3 दिन से। 3 दिन से आ रहे हैं। और किस डिजिटल करवा, एक तो डिजिटल एक्सरे होता है और एक तो मिनिमम होता है, कौन सा एक्सरे करवाने आए? डिजिटल। डिजिटल करवाने आए थे। अच्छा सर, सबसे पहले अपना परिचय देते हुए ये बताइए कि यहाँ पे एक तो गेट पे एक्सरे बंद होने का वो आप लोगों ने लिस्ट चिपका रखी है, ये कई दिन से मशीन खराब पड़ी है, इसके बारे में बताइए। और मैं सुनील कुमार, एक्सरे टेक्नीशियन। यहाँ मशीन जो है, इसका सॉफ्टवेयर डिजिटल का ख़राब हो गया है, उसको हम लोग अपना जो भी लेटर है अपने अधीक्षक को दिया गया है, अवगत करा दिए हैं पत्र द्वारा। देखते हैं कब तक वहाँ से आश्वासन मिलता है बनने का। कई दिन से मशीन खराब पड़ी हुई है? 4 दिन हुए हैं। 3-4 दिन। 4 दिन से जी। तो मरीज आते हैं तो उन लोग को क्या आश्वासन देते हैं आप? अब ये है कि अब मैनुअल चलता है, मैनुअल पे हो रहा है काम कुछ, और उन लोग डिजिटल के लिए पेशेंट तो कहते हैं कि हमको डिजिटल कराना है, तो भाई आश्वासन यही होता है कि अब मशीन कुछ दिन में बन जाएगी, 2 दिन में तो उस समय हो जाएगा। अच्छा, टेक्नीशियन आते हैं मौके पे यहाँ पे पड़े? जी, हम लोग दोनों हैं। हम हैं सुनील कुमार और टेक्नीशियन में एक और हैं राघव सिंह वर्मा जी। हम लोग प्रतिदिन आते ही हैं, लेकिन मशीन खराब है, मैनुअल पर काम चलता रहता है, लेकिन पेशेंट जो है मैनुअल पर कराना नहीं चाहते, डिजिटल कराना चाहते हैं, इसलिए बंद है। इसमें देखते हैं, हमारे अधीक्षक से बात हुई है, बोले हैं जल्दी बन जाएगी। ठीक।